जिला कुल्लू की उजी घाटी की ग्राम पंचायत कटराई के बशकोला गांव से। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के एसडीएम कार्यालय में बशकोला के ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल एसडीएम कुल्लू विकास शुक्ला से मिला। इस प्रतिनिधि मंडल में बशकोला के ग्रामीणों के अलावा पंचायत के प्रधान गीता ठाकुर भी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने एसडीएम के समक्ष अपना पक्ष रखा कि बशकोला गांव से ही रखंडो गांव के लिए सड़क जा रही है, लेकिन यह सड़क बशकोला गांव में बने मैदान से गुजारी जा रही है। अगर सड़क को मैदान से गुजारा गया तो मैदान खराब हो जाएगा और यहां पर बच्चों को खेलने के लिए भी कोई स्थान नहीं मिलेगा। ऐसे में उन्होंने रखंडो गाँव के लोगों से आग्रह किया था कि वह मैदान के किनारे से सड़क ले जाए और यहां से ले जाने में लोक निर्माण विभाग को भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ग्रामीणों ने डीसी कुल्लू के समक्ष अपना पक्ष रखा था कि पंचायत की प्रधान अपनी मनमानी कर रही है, जो कि गलत है। पंचायत की प्रधान गीता ठाकुर का कहना है कि बशकोला गांव में ही एक मैदान है जहां पर बच्चे शाम के समय खेलते हैं और लोग भी अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों को पूरा करते हैं। ऐसे में मैदान को नुकसान न हो, इसके लिए सभी ग्रामीण यह चाहते हैं कि मैदान के किनारे से सड़क का निर्माण कार्य किया जाए। ग्राम पंचायत के सदस्य भी सारे आए हुए हैं और बशकोला वासी भी आए हैं सारे। इस चीज में ऐसा नहीं है कि एक प्रधान को ऑब्जेक्शन है, हम लोग ये भी नहीं चाहते। ग्राम खुड़वाड़े में हमारे अपने ही है, साथ में लगता गांव है उनका और पड़ोसी है, रोज का उठना बैठना हमारा उनके साथ होता है, रोज आना जाना, सुबह उठ के एक दूसरों की शक्लें देखनी होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम ये नहीं बोलेंगे कि रेंखुड़ को रोड ना निकले। हम लोग सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि रोड भी निकले और जो बशकोले का ग्राउंड है, बशकोले के पास सिर्फ एक ही ग्राउंड है और वो SSB ने वो ग्राउंड बनाया था बशकोला में। तो एक ग्राम पंचायत प्रधान होने के नाते अपने गाँव की जो समस्या है वो रखना भी मेरा फर्ज बनता है। तो हमने सिर्फ ये कहा था कि ठीक है आप लोग ऐसा करो, रोड भी निकले और ग्राउंड भी बचे, हमने सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट की थी। और ऐसा नहीं है कि रोड नहीं निकलेगा, रोड निकल जाएगा, आराम से निकलेगा, लेकिन वो लोग ये चाह रहे हैं कि ग्राउंड खराब करके रोड निकले। सर ये तो सोचने वाली बात है कि हमारे पास भी कोई जगह नहीं है और हमारे गाँव का एक बच्चा ऐसा है कि जो अभी उसमें बास्केटबॉल में हिमाचल की टीम की तरफ से उसकी सिलेक्शन हुई है और स्टेट लेवल में वो खेल रहा है। अगर ग्राउंड बचेगा तो वो 10 बच्चों को औरों को भी खेलने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो क्या ये डिसीजन, अगर ऐसा कुछ बोलना हमारा गलत था कि ग्राउंड बचाया जाए, वहाँ सब बच्चों को खेलने के लिए होगा। जैसे अब मान लो छोटे छोटे बच्चे थे, हमने पीछे उनसे बात कही थी कि आप लोगों के लिए यहाँ ग्राउंड बन रहा है, तो वो बच्चे भी पूछते हैं कि प्रधान जी हमारा ग्राउंड कब बन रहा है। बच्चे आजकल हर कोई बच्चा मोबाइल पकड़ के बैठा होता है, अगर उनको बोला जाता है कि जाओ आप खेलने जाओ थोड़ी देर, तो वो बोलते हैं कहाँ खेले हम लोग, है खेलने के लिए तो जगह है नहीं। तो सर हमारी यही रिक्वेस्ट है रेंखुड़ वालों से भी, वो हलाण पंचायत है, हम कटराई पंचायत के, तो हम लोग ही उनको रोड दे रहे हैं और उन्होंने मतलब इतने पर्सनली तक आ गए हैं वो कि उन्होंने ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए हैं कि प्रधान अपने निर्णय खुद नहीं ले रहे हैं, उनके पति उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। और सर आप लोग चाहेंगे तो पंचायत के, पूरी पंचायत मेरे साथ में है, आप पूछ सकते हैं कि मेरे पति कब आए पंचायत में या उन्होंने कब ऐसे ओ किए कि जैसे वो डिसीजन ले रहे हैं। SDM सर ने, सर से हमने यही रिक्वेस्ट की है कि सर हम लोग यही चाहते हैं कि रोड भी निकले और ग्राउंड भी बचे। हमारा ऐसे नहीं कि हम लोग रोड देने के उसमें नहीं है, पक्ष में नहीं है, पर हम लोग चाहते हैं कि रोड भी बन जाए और ग्राउंड भी बचा रहे, क्योंकि वही एक ग्राउंड है बशकोला वालों के पास एकमात्र, और कोई जगह नहीं है। ऐसी ने हमारे को बोला है कि कोई बात नहीं, आप जो चाहेंगे वैसा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, रोड के आप लोग खिलाफ नहीं है, रोड आप देना चाहते हैं तो हम लोग भी पूरी कोशिश करेंगे कि ग्राउंड भी बचा रहे और रोड भी बन जाए। स्थानीय युवा बीजू का कहना है कि मैदान में बच्चे सुबह शाम खेलते भी हैं और ऐसे में अगर मैदान को नुकसान हुआ तो ग्रामीणों को भी काफी परेशानी आएगी। ऐसे में सड़क को मैदान के किनारे से ही गुजारा जाना चाहिए। वहीं SDM कुल्लू विकास शुक्ला ने भी ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए कहा कि वे लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी इस बारे में निर्देश जारी करेंगे ताकि रानखंडो गांव के लोगों को भी सड़क की सुविधा मिल सके। देखिए इस मुद्दे पर हम जो है सभी बशकोला वासी और समस्त ग्राम पंचायत यही चाहती है कि रानखंडो गांव को रोड जाए, उसका हम पूरी तरह से उसकी प्रशंसा करते हैं और उसके लिए हमसे जो हो पाएगा वो हम तैयार हैं, लेकिन हमें बस हमारा जो ग्राउंड जिसमें हमारा और हमारे बच्चों का फ्यूचर है उस ग्राउंड को बस हम बचाना चाहते हैं, उसके संरक्षण के लिए हम सभी लोग आए हैं। तो उसके साथ में लगती जो जगह है वहाँ से रोड बड़े आसानी से निकलेगा, इवन वहाँ से जहाँ से रोड शुरू हुआ है वहाँ पर भी चढ़ाइयाँ हैं, वहाँ से भी अगर रोड जा रहा है तो उस जगह से भी रोड जाएगा। तो हमारी बस यही विनती है कि इस पे जो है प्रशासन हमारा साथ दे, सरकार हमारा साथ दे और हमारा गाँव का ग्राउंड भी बचे और वहाँ पर रोड भी निकले। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर।
शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goelmotor.com पर।